तुमका माफी दईबो। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूँ। नमस्कार। ऐसे कर्म ही क्यों करो कि बार बार माफी मांगनी पड़े। समय देखकर नरेंद्र मोदी ने फिर से माफी मांग ली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूँ। वैसे इसमें नया कुछ नहीं है दोस्तों। बीजेपी के लोग जिनको अपना आदर्श बताते हैं वो लोग भी पुराने समय से माफी मांगते आए हैं। बस फर्क इतना है कि वो लिखकर मांगते थे, आज वाले बोलकर मांग रहे हैं। इस बार तपस्या में कमी वगैरह नहीं बताई, सीधे ऐंठन दिखाते हुए माफी मांग ली। माफी मांगते नहीं तो फिर जाते कहां? काम ही इतना घटिया किया था। जिन शिवाजी महाराज ने अपना मस्तक कभी नीचा नहीं किया, भाजपाइयों की डबल इंजन की सरकार ने शिवाजी महाराज का मस्तक जमीन पर ला दिया। साल भर पहले नरेंद्र मोदी ने शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया था, साल भर के भीतर ही मूर्ति गिर गई। मैंने 2024 के चुनाव में ये कह दिया था दोस्तों कि ये जो साल है ये न्याय का साल है, इस साल अहंकारी नाक रगड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी बनवाई शिवाजी की ही मूर्ति गिरी है, इनकी जुबान और काम दोनों टिकाऊ नहीं है। कहते क्या हैं, करते क्या हैं, कुछ नहीं मालूम। अयोध्या में सड़कें बनवाई, साल भर के भीतर धस गई। सड़क पर लगी लाइटें 6 महीने पहले ही गायब हो गई। स्टेशन की दीवार साल भर तक नहीं चले, साल भर के भीतर ही राम मंदिर चूने लगा। नई संसद भी साल भर के भीतर ही चूने लगी। इनके कराए काम साल भर से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहे हैं और ये लोग सपना देश को 2047 का दिखाते हैं। और हाँ, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के साथ भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार में जो कांड ये हुआ है उसके बाद नरेंद्र मोदी की माफी में मिली हुई अकड़ को देखिए जरा। ये माफी मांग रहे हैं या फिर माफी मांगकर एहसान कर रहे हैं वो आपको समझना है, उसको समझिए। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूँ। धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा। मोदी ऐसे तिलमिलाकर माफी मांग रहे हैं जैसे सामने बैठे लोगों ने ही मूर्ति गिराई है। माफी मांगने का स्टाइल देखिए जरा, जैसे विपक्ष की ही वजह से ये मूर्ति गिर गई। अरे भाई, सरकार इनकी, मूर्ति का उद्घाटन इन्होंने किया, मूर्ति खड़ी करने का ठेका इन्होंने दिया, ठेकेदार इनका, और तैश जनता को दिखा रहे हैं, माफी मांगकर एहसान कर रहे हैं। अरे जनता आपकी माफी का क्या आचार डालेगी क्या? इनकी इस अहंकारी माफी पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा कि ये ओजस्विता, यह तेजस्विता, यह प्रताप, यह वीर भाव, यह गर्वोन्नत भाल आराध्य देव के प्रति, यह विद्युत सा कड़कड़ाता भक्ति भाव, ये देदीप्यमान मुखमंडल, किसी ने अपने आराध्य से ऐसी विगलित हृदय, मंद स्वर तथा विनीत मुद्रा में क्षमा याचना न की होगी। चरणों में लुट जाने की इच्छा हो रही है, इस अदा पर लुट जाने की तमन्ना जग रही है। अगर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होते तो माफी वीर साहब जिंदगी में माफी नहीं मांगते। किसान आंदोलन याद है ना, सैकड़ों किसान इस आंदोलन में मर गए थे। जब यूपी में चुनाव आ गया तो माफी वीर सामने आ गए और बोले, मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। माफी वीर के माफी मांगने का एक मौसम होता है और वो मौसम है चुनाव का मौसम। छत्रपति शिवाजी की ये मूर्ति बनाने में 3600 करोड़, 3600 करोड़ की लागत आई। कितना? 3600 करोड़। इसका उद्घाटन मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर किया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थापित की गई थी ये मूर्ति। अब आपको ये भी समझना चाहिए दोस्तों कि शिवाजी की मूर्ति का ये हाल हुआ क्यों। ये करोड़ों रुपए की प्रतिमा पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है कि शिवाजी महाराज की कोई प्रतिमा नीचे गिर गई, कोई पुतला नीचे गिर गया। हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ब्रॉन्ज का पुतला था, तो सबसे पहले जैसे ही स्टैचू गिरने के बाद पूरे महाराष्ट्र में क्रोध की लहर दौड़ी। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाथ ऊंचे करके बोल दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये नेवी ने करवाया था और ये ठिकरा नेवी पे सर पे फोड़ दिया। बाद में पता पड़ा कि जिसने ये स्टैचू बनाया था उसने कभी जीवन में इतना बड़ा काम किया ही नहीं था। वो कल्याण का था। फिर चर्चा ये भी थी कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के वो दोस्त थे और उन्हें जीवन में पहला इतना बड़ा काम मिला था। और फिर इसमें राजनीति गरमाई गई और राजनीति ये इतनी गरमाई गई कि आखिरकार
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने टोन देखा कि पूरा देश पूरा महाराष्ट्र उबल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं महाराष्ट्र के 8 करोड़ जनता से माफी मांगता हूं, सरकार में हम थे। इसी बीच जो कल्चरल डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसके जो संचालक थे मिश्रा जी, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो कल्चरल डिपार्टमेंट से थ्रू जाती है, तो हमारे पास डिटेल्स के लिए आए थे, तो हमें ये बताया गया था कि ये 6 फीट की मूर्ति है। ओहो, ये 6 फीट की 35 फीट की कब होगी मुझे पता नहीं। ओहो, तो उनको पूछा गया था जब ये 35 फीट का बन रहा था तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों लिया नहीं, उन्हें कहा कि हमारे पास मैंडेट नहीं ऑब्जेक्शन लेने का। अब आप मोदी के उस मंच पर चलिए जहां पर वो माफी मांगने का एहसान कर रहे हैं। वीडियो में देखिए मोदी माफी मांग रहे हैं और शिंदे के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र से बीजेपी के पूर्ण सफाई की गवाही मंच पर मौजूद हर नेता का चेहरा दे रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी के माफी मांगने पर क्या कहा वो सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का बदला तो महाराष्ट्र जरूर लेगा, लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता और विपक्ष के घोर विरोध के आगे नरेंद्र मोदी को नाक रगड़ कर राष्ट्र गौरव शिवाजी से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सबको पता है ये माफी नहीं ढोंग है, वरना इस पाप के जिम्मेवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कीजिए। शिवाजी की मूर्ति का गिरना बीजेपी के पतन का बिल्कुल साफ संकेत है। ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र से बीजेपी का बोरिया बिस्तर अब बन चुका है। मोदी की अपनी गद्दी तो पहले से ही असुरक्षित है। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, अब हमको दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्ते।